आज के अतिथि का स्वागत करें। मैं मनीष भाई जी से निवेदन करूंगा, कृपया आगे और अतिथियों का भी स्वागत करते रहें। महेश जी अच्छी तरह से खोल के, हमारी परंपरा है कि अपने अतिथियों का स्वागत करते हैं, उसके बाद हम लोग कार्यक्रम की आगाज करेंगे। धीरज शर्मा जी से निवेदन है, कृपया धीरज जी भी आप भी तिवारी जी का स्वागत करेंगे। धीरज जी आज के इस कार्यक्रम के आप संयोजक हैं, दिल्ली में बहुत बड़ा जो हम लोगों ने अभी युवा उद्यमियों का कॉन्क्लेव किया उसमें धीरज जी के सहयोग से हम बहुत बड़े स्तर पर हम उस कार्यक्रम को कर पाए। अमित भाई बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने अतिथि से निवेदन करूंगा कि आप अपना आसन ग्रहण करें। और शर्मा जी मैं चाहूंगा पहले आप ही दो शब्द हमें आशीर्वाद वचन के रूप में कहें, क्योंकि आपको आगे भी जाना है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि तालियां बजाकर आप शर्मा जी का स्वागत करें। सबरवाल साहब आपको मैंने निवेदन किया था कि आप बोल सकते, लेकिन आपका गला खराब होने की वजह से मैं आपको नहीं कहूंगा, लेकिन हम मनिंदर जी को जिनको जरूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि आदमी विचारों से जुड़ता है। जब हम छोटे हुआ करते थे, जब चाय की दुकान की पान की दुकान पे और नाई की दुकान पे जब भीड़ लगी रहती थी तो हम समझ आते थे कि हमारे बीच जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी बोल रहे हैं, उस तरह का वो था। और इसी तरह का विचारों के साथ हम लोगों से जुड़ पाएंगे। मैं राघवेंद्र शुक्ला जी आए और आपसे निवेदन की सामूहिक रूप से, अशोक जी सामूहिक रूप से आप मनिंदर जी सी का हम लोग आज ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से सम्मानित कर सकें। आपसे निवेदन तालियां बजाकर मनिंदर जी का हौसला अफजाई करें। हम दो शब्द मनिंदर जी आपको सुनना चाहेंगे और निवेदन है अतिथियों से भी, आप भी मंच पर हैं कि हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद। तिवारी जी आपने अपने विचार रखे हमारे बीच, हमारे मित्र हमारे आनंद भाई का समूह हमें हमेशा मिलता रहता है। हमारी संस्था के फाउंडर मेंबर जितेंद्र कुमार अशोक जी, उनसे भी मैं करूँगा मंच पर आप आए। जितेंद्र जी आपसे निवेदन, कृपया मंच। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी। अभी हम लोग अपने संस्था के लोगों को भी समय समय हमारे अशोक जी का स्वागत करें। अशोक जी का बहुत सहयोग हम लोगों को मिलता रहता है, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम भविष्य में भी आपके ये उम्मीद रखते हैं कि आपका आशीर्वाद इसी प्रकार हमारे ऊपर बना रहेगा। अब हमारे बीच और भी कुछ वशिष्ठ। आज के दिन हम सबके परम आदरणीय भारत देश के पूर्व राष्ट्रपति, जाने माने दुनिया के वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम साहब की आज जयंती है। आज उनके इस जयंती के शुभ अवसर पर हम सब अपनी तरफ से उन्हें सादर नमन करते हैं। उनकी याद में आज मुंबई के इस पावन धरा पर, इस मेयर हॉल में अंधेरी पश्चिम के अजय पांडे जी की पूरी टीम ने राजनीति पाठशाला के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उन्हें सलाम करने के लिए बहुत ही सुंदर और अच्छा एक अवार्ड का कार्यक्रम यहाँ रखा। मुंबई और मुंबई के बाहर के अलग अलग क्षेत्र से लोग आए, इस अवार्ड में लोग शरीक हुए। सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, साहित्य जीवन, कला जीवन, खेल जीवन, विविध विविध क्षेत्रों के लोगों ने आज यहाँ पर सहभाग लिया। इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक और मुंबई के कांग्रेस के जाने माने नेता अशोक भाई जाधव जी भी यहाँ आए हैं, बहुत सारे और महानुभाव यहाँ आए हैं। हम अपनी पार्टी की तरफ से, महाराष्ट्र की 13 करोड़ की जनता की तरफ से, अजय पांडे जी की राजनीति की पाठशाला की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देते हैं, साधुवाद देते हैं कि आज इस आधुनिक युग में भी उन्होंने भारत देश की गरिमा और मर्यादा को देखते हुए ऐसे व्यक्तित्व जिन्हें भारत रत्न हम सब कहते हैं, कलाम साहब के जीवन के बारे में आज एक यहाँ पर कार्यक्रम रखा। लोगों ने अपने विचार और संवाद के माध्यम से उनके बारे में बताया। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम सब ने कलाम साहब के जीवन को देखा है। आने वाली पीढ़ियाँ जब आएंगी भविष्य में तो उन्हें यकीन करना मुश्किल होगा कि एक हंसता मुस्कुराता चेहरा जो इतने विनम्र रहे, लेकिन उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए, पूरे दुनिया के लिए ऐसे ऐसे मिसाइल बना के गए कि
कि कोई भी हमारे देश के खिलाफ आंख दिखाने की जरूरत नहीं कर सकता। तो कलाम साहब का योगदान युगों युगों तक, वर्षों वर्षों तक लोग याद रखेंगे। हम सब उनके इस 7 जयंती के कार्यक्रम में सहभागी हुए अजय पांडे जी को और उनके पूरी इष्ट मित्र मंडली को हम सब बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आप ऐसी प्रेरणा लेते हुए आने वाले वर्षों में भी, आने वाले महीनों में भी पूरे देश में राजनीति की पाठशाला के माध्यम से हमारे महापुरुषों को ऐसे याद करते रहे। नमस्ते, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं तो पहले राजनीति की पाठशाला का अभिनंदन करता हूँ कि उनमें हर आदमी को सवाल के लेने की ताकत है। आज जो भी कार्यक्रम हो, जो भी लाइन का आदमी हो, फिर वो फिल्म लाइन में हो, संगीतकार हो, या एनजीओ बोल के काम करने वाला हो, या राजनीति का हो, हर आदमी को समाने की ताकत राजनीति की पाठशाला के इस संस्था के अंदर है। रही बात आज का जो सब्जेक्ट है, वो इतना बढ़िया सब्जेक्ट है क्योंकि अब्दुल कलाम जी का अगर चरित्र आप देखोगे, जिस हालत से उन्होंने कष्ट करके इस जगह तक पहुंचे हो साइंटिस्ट के, वो कोई मामूली बात नहीं है। कहानी सुनने को अच्छी लगती है, लेकिन वो जब खुद पे गुजरता है तब क्या होता है, ये कलाम साहब ने उनके बुक में लिखा हुआ है। और आज जो पद उनको देने में आया था राष्ट्रपति का, वो पद उनके लिए सक्षम था। उसके लिए वो सक्षम थे कि राष्ट्रपति बोल के, क्योंकि उन्होंने जो काम राष्ट्र के लिए किया है, जो आज एक मिसाल बनाई है, वो इतनी जबरदस्त थी कि उस टाइम पे अपने आजू बाजू के देश भी उस चीज के वजह से हमसे डर के रहते थे। तो रही बात प्यार मोहब्बत की, उसमें भी अब्दुल कलाम जी कहीं कमी नहीं थे और देश के संरक्षण के लिए भी कमी नहीं थे। उन्होंने मिसाइल बनाई देश के संरक्षण के लिए। लेकिन राजनीति की पाठशाला जो है, जो अच्छे अच्छे सब्जेक्ट लेके आती, जैसे अभी उनका एक और है संविधान का सब्जेक्ट, एक है 51 का, जो उन्होंने एक सब्जेक्ट लिया है जो कि जनता का अधिकार है, जो जनता को मिलना चाहिए। फिर राजनीति, कोई राजनीति में कोई भी हो, उनसे भी पार्टी का आदमी हो, लेकिन जो संविधान है वो देश का अपना अधिकार है और लोगों का अधिकार लोगों को मिलना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। आप सभी को आज मैं डॉक्टर अर्चना देशमुख, राजनीति की पाठशाला की नेशनल सेक्रेटरी, अजय जी का और एंटायर राजनीति की पाठशाला टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने सबसे पहले हम जैसे एक सोशल वर्कर्स को अपने टीम में जगह दी। और साथ में मैं आज अपने दरियादिल मुंबई का जो एक समाज सेवा संस्था है, उनको, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी बहनों को यहाँ पर लेकर के आई हूँ ताकि उनका भी मनोबल बढ़े, उनकी भी इच्छा शक्ति, काम करने का लेवल उनका भी बढ़े। और साथ में आज ये जो प्रोग्राम है ये एकदम अलग हटके है। आज कलाम सर का बर्थडे जयंती, हम उन्हें शत शत नमन करते हैं। वो हम सबके लिए एक बहुत बड़े रोल मॉडल है, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। फ्रीडम फाइटर्स बहुत हुए हैं, जैसे गांधी जी, नेहरू जी, हमने उन्हें तो नहीं देखा हमारी जनरेशन में, लेकिन कलाम सर को हमने देखा और कलाम सर को हम सलाम करते हैं। आज का टाइटल भी बहुत अच्छा है, कलाम को सलाम। तो हम सभी बहनों की तरफ से उन्हें सलाम और उनके दिखाए मार्ग पर हम लोग चलेंगे। कलाम सर का एक छोटा सा कहावत है, सपने वो होते हैं जो हम पूरा करना चाहें, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं दे। और आदमी जितनी मेहनत करेगा उतना आगे बढ़ेगा। आदमी सफल तभी होता है जब लोग उससे सिग्नेचर की जगह ऑटोग्राफ मांगते हैं। तो हम लोग सभी उनके इस कथन पे चल रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि हम सब बहुत तरक्की करें, अपने देश का नाम रोशन करें। देश की ये हर पथक, हर क्षेत्र में हम हमारी सेवाएं दे रहे हैं। सबसे बड़ी सेवा गौ सेवा, गायों का हम सर्जरी करवाते हैं। और राजनीति की पाठशाला के एंटायर टीम की तरफ से मैं आए हुए यहाँ पे सभी गेस्ट का, सभी अवॉर्डीज का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम। जय गुरुदेव। मेरा पहला व्यक्तिगत जो संबंध कलाम साहब के साथ हुआ, वो दिल्ली में एक फंक्शन में हुआ था।
टाइम्स ऑफ इंडिया का फंक्शन था, मैं चौंक गया था कि तभी मैं बहुत युवा था, मैंने कहा कि एक पीस कॉन्फ्रेंस में आप मिसाइल मैन को कैसे बुला सकते हो जो अणुबॉम बनाते हैं। तब इंदु जैन जी ने कहा था कि ये वेदांत की बातें करते हैं, अणु की बातें करते हैं, और तभी कलाम साहब प्रेसिडेंट नहीं थे, उन्होंने कहा मेरे शब्द मान लेना कि आगे चल के कलाम साहब जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनेंगे और देश को और हमारे राजनेताओं को उनको बनाना ही पड़ेगा, प्रेसिडेंट नहीं था डेप्यूटी प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा, और वो बात सच निकली थी, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसके बाद बने थे। पुराने जमाने में जो विष्णु के अवतार आते हैं उनको जो उनके शस्त्र देने का काम करते हैं वो है परशुराम जी और विश्वामित्र जी, परशुराम विश्वामित्र ये सारे ऋषि मुनि थे। जो साइंटिस्ट हमारे लिए हथियार की शोध करते हैं, अणु बम की, रॉकेट्स की, वो अगर संत मिजाज के ना रहे, वो अगर ऋषि ना रहे, ऋषि का अर्थ है इंग्लिश ट्रांसलेशन सीयर, जो देख सकते हैं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को देखकर फैसला कर सकते हैं, वो ऋषि। तो जो ऋषि ना हो, जो संत ना हो, उसके हाथ में अगर शक्तिशाली अग्निशस्त्र मिसाइल इत्यादि का रहस्य आ गया, उसको बनाने की कला आ गई, तो विश्व को समाप्त होने में समय नहीं लगेगा। और ये भारत जैसे हिंदुस्तान जैसे देश में ही हो सकता है कि जहां पे एक अब्दुल कलाम जी जैसा संत ऋषि पुरुष हमारे मिसाइल में है, उनको कोटि कोटि वंदन। सबसे पहले तो मैं आप सभी के माध्यम से डॉक्टर अजय पांडे और राजनीति की पाठशाला के सभी सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे पहले तो दिल्ली का अध्यक्ष बनाया राजनीति की पाठशाला का, और आज मुझे एक नई जिम्मेदारी दी गई है इस कार्यक्रम के अंदर कि मुझे ऑल इंडिया का संगठन मंत्री नियुक्त किया गया है ताकि मैं संगठन के कार्यों को अच्छे से देख सकूँ और पाठशाला को आगे बढ़ाने के कार्य कर सकूँ। दूसरा, जो आज अब्दुल कलाम जी का जन्मदिन है उसके उपलक्ष्य में जो ये कलाम को सलाम कार्यक्रम किया गया है, ये आप ये देख लीजिए कि अब्दुल कलाम को एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक संपूर्ण भारत थे, किसी धर्म किसी जाति से कोई जुड़े हुए नहीं, बल्कि एक ऐसा मानव जिसने सदा अपना पूरा जीवन जो है देश के सुरक्षा के लिए लगा दिया। लोग कहते हैं कि मिसाइल बनाया, मिसाइल इसलिए नहीं बनाया था कि हमें किसी पे हमला करना है, बल्कि मिसाइल इसलिए बनाया गया ताकि हम अपनी सुरक्षा कर सकें, इसीलिए उनको पीस शांति का प्रतीक भी माना जाता है अब्दुल कलाम जी को, और साथ ही मिसाइल मैन भी कहा जाता है। इसी के साथ आपका हार्दिक धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। जी सर, बहुत मेन बात यही है कि ये कलाम साहब के नाम से ये अवार्ड है और जो ये सम्मान मुझे मिला है इसलिए मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी समझती हूँ। और राजनीति की पाठशाला और अजय जी का ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि हर क्षेत्र के लोगों को ये अवार्ड मिल रहा है, चाहे फिल्म हो चाहे पॉलिटिक्स या विभिन्न फील्ड्स में जो लोग हैं जिन उनके फर्दर कंट्रीब्यूशन टू देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स, उनको ये अवार्ड मिल रहा है। तो इस तरह मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि मुझे ये अवार्ड मिला है म्यूजिक में कंट्रीब्यूशन के वजह से, तो आई एम रियली वेरी हैप्पी। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, अभी कुछ तो प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे लॉकडाउन की वजह से, वो वाले कुछ फिल्म्स जो है वो अभी रिलीज होने वाले हैं, बाकी मैं अपने इंडिपेंडेंट एल्बम पे काम कर रही हूँ। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी राजनीति की पाठशाला फाउंडेशन को, इनके फाउंडर अजय पांडे जी को, ऑल्सो जैसे कि हमारे यहाँ समाज सेविका और अर्चना जी हैं,
जिन्होंने मुझे ये पाथ दिखाया। तो इसके बारे में मैं क्यों, ये मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि डॉक्टर APJ कलाम, उनसे हमने एज ए यूथ बहुत कुछ सीखा है, सोशल सर्विस और वर्क में उतरने से पहले, समाज सेवा करने से पहले खुद की सोच बदलना, और वो सोच किस तरीके से बदली जाती है, जो ऐसे आइकॉन्स होते हैं जो अपनी कोट्स से, अपने मोटिवेशन से इंस्पायर्ड करते हैं। और इवेंट्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मोटिवेशन जो करते हैं, जो इंस्पायर करते हैं, उनको सम्मानित करते हुए और उस मंच पे हमें सम्मान मिलना, इससे बड़ा और अपने लिए फॉर्चुनेट क्या होगा। थैंक यू। मैं कई बरस पहले मैंने एक लाइन सुनी थी जिसने मुझे अंदर से हिला दिया था। वो लाइन थी कि छोटा लक्ष्य बड़ा अपराध है। और ये मैंने रिसर्च किया कि 31 आदमी की लाइन है, तो पता चला कि APJ अब्दुल कलाम की लाइन में है। तो मैंने उनको पढ़ा, उनकी किताबें पढ़ी, उनके जीवन को रिसर्च किया, तो मुझे लगा कि एक बड़ा आदमी हमारे देश में पैदा हुआ, इससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो मेरे लिए यकीनन बहुत गर्व की बात है कि APJ अब्दुल कलाम के नाम से जो अवार्ड है मुझे दिया गया। वेलकम। सर हम तो आज धन्य हो गए कलाम साहब का, जो हमें अवार्ड मिला है। जो सपने हमने देखे थे, कलाम साहब का एक मैसेज था, सपने सोते भी नहीं दिखते, सपने जो होते हैं वो पूरी आत्मा से देखे जाते हैं। आज वो सपना पूरा हुआ हमारा, सब देख के इस इनाम को देखे ऐसा लगा कि आज कलाम साहब का आशीर्वाद मिल गया हमारे को। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। इस हमारे जो राजनीति की पाठशाला का जो मंच है, बहुत अच्छा लगा मेरे को, अच्छा सम्मान मिला इससे, आगे बहुत लगा, अच्छा लगा। थैंक यू। मैं बता नहीं सकती हूँ, बयान नहीं कर सकती हूँ। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं इतने बड़े डिग्निटरीज के बीच में मुझे सम्मान से नवाजा गया है। और अजय जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अजय भैया से मैं कई सालों से जुड़ी हुई हूँ और हमेशा वो मुझे याद करते हैं। एंड दिल से मेरी प्रार्थना है कि राजनीति की पाठशाला और ऊंचाइयाँ छुए और हम इसी तरह उनके साथ जुड़ते रहें हमेशा हमेशा। थैंक यू सो मच। बहुत खुशी हुई अब्दुल जी के बारे में इतना सब जो सुना मैंने, सबके विचार जो उन्होंने व्यक्त किए लोगों ने, उससे मुझे बहुत प्रोत्साहन भी मिला और बहुत ही अच्छा रहा है मेरा एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। सम्मान कुछ नहीं होगा क्योंकि एक ऐसे महापुरुष जिसको हम सभी, चाहे हम किसी भी जाति से, धर्म से, प्रांत से, कहीं से भी आते हों, एक ऐसा शख्स जिसको हम सभी सच्चे हृदय से प्यार करते हैं और सच्चे हृदय से मानते हैं, वो है हमारे प्रिय अब्दुल कलाम जी। और मुझे लगता है आज का दिन उनके नाम से, उनके नाम के अवार्ड से सम्मानित होना, इससे बड़ा सपना शायद हमारे जीवन में कभी पूर्ण नहीं हो सकता। तो मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ राजनीति की पाठशाला का, सभी आयोजकों का, जिन्होंने आज हमें ये मौका दिया कि हम अपनी बात रख पाएं अब्दुल कलाम जी के लिए, अपने शब्दों में जो हम उनके लिए कहना चाहते हैं वो कह पाए। ये हमारी तरफ से एक श्रद्धांजलि रही है उनके लिए और ये सम्मान पाना आज के दिन बहुत ही गौरव की बात है। थैंक यू सो मच, ट्रूली ऑनर्ड। आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर अजय पांडे फॉर गिविंग मी ऑल द लव एंड रिस्पेक्ट। एंड राजनीति की पाठशाला के हम सब फाउंडर मेंबर्स है और आज हम लोग पूरी इंडिया में छाए हुए हैं। आज यहाँ पे हम डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के वैल्यूज़ को आगे बढ़ाने के लिए सब मिले हैं। एंड राजनीति की पाठशाला वो सब अपना के हम लोग बहुत बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं खुद भी एक NGO चलाती हूँ, उल्का फाउंडेशन, जहाँ मैं धारावी के 3000 बच्चे पालती हूँ। एंड दिस इज़ ऑल थैंक्स टू राजनीति की पाठशाला, बिकॉज मेरा पूरा प्लेटफॉर्म मेरे को वहीं से मिला है। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, जय राधे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। तो ये अवार्ड रिसीव करते उनके नाम से, उनके जन्म तिथि पे, तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है क्योंकि मैं इनको अपना एक आदर्श मानती हूँ।
अगर इनकी लाइफ को हम देखें तो ये काफ़ी सिंपल, सरल, विनम्र, ग्राउंडेड इंसान थे और काफ़ी हाईली इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी उनकी सादगी में जो बात थी ना, आज तक किसी भी राष्ट्रपति में आप देख नहीं पाओगे। और वो जिस तरह से बच्चों को प्रेरित करते थे और लोगों को प्रेरित करते थे, मुझे लगता है लोगों को उनसे सीखना चाहिए। फिलहाल अभी रतन जी के मृत्यु के बाद मुझे ऐसा लगता है मेरे दो आदर्श रहे हैं, एक रतन जी और एक कलाम जी। सो मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये अवार्ड लेते हुए, और मैं सबको बधाई भी देना चाहती हूँ कि बहुत ही पावन पर्व है उनकी जन्मतिथि, और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हमें लगता है कि हमें एक वो सीख कर हमें अपनी जिंदगी में या अपने अब्दुल कलाम जी उनके नाम का अवार्ड मिलना। देखिए, राजनीति की पाठशाला हम सब जानते हैं, इस देश की जरूरत है, और ये जो ऐसे छोटे छोटे कार्य किए जा रहे हैं, ये कोशिश की जा रही है कि जो देश की आत्मा, डेमोक्रेसी की जो आत्मा है, उसको जिंदा रखा जाए। और जो नेशनल आइकन है हमारे, आज छात्र दिवस मनाया जाता है, अब्दुल कलाम आज़ाद जी हमारे सबके माननीय, सबको राष्ट्र धरोहर हैं, वो हमारे प्रतीक हैं इस प्रोग्राम के। उन्होंने हमेशा पूरे देश को एक, उन्होंने ये मैसेज दिया कि कभी आपको हारना नहीं है, परिस्थिति कितनी भी आपके अनुकूल ना हो। वो पोखरान का जब टेस्ट हुआ, जब हमारे ऊपर पूरी दुनिया ने प्रतिबंध लगाया, उसके बाद उन्होंने कैसे राष्ट्र स्तर पर काम करके उन्होंने क्रायोजेनिक इंजन बनाए और उस देश को सफलता मिली। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो छोटी छोटी कहानियाँ हैं मौलाना डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद की, जो हमें हमेशा प्रेरित करती रहती हैं, और ऐसे मंच, राजनीति की पाठशाला, जिसके माध्यम से हमें अपने आप को प्रकट करने का मौका मिलता है। और हमसे छोटे छोटे, जैसे आज मैंने बायोपॉलीमर के ऊपर मैंने रिसर्च किया, मेरे 4 इंटरनेशनल पेपर्स हैं, तो मैं बहुत प्रफुल्लित हुआ कि मुझे ये मंच पर बुलाया गया। और जो मेरे छोटा सा एज अ साइंटिस्ट मेरा जो छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का, जो ये हमारा एनवायरमेंट है, इसको हम कैसे बेटर करें, उसमें मेरा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, मुझे उसको प्रदर्शित करने का मौका दिया गया। तो राजनीति की पाठशाला और ऐसे मंचों को हमें आगे और प्रमोट करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि हम इसका हिस्सा बने, और देश को इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहले जो इस संस्था के संस्थापक हैं भाई अजय पांडे जी, जिन्होंने एक मिसाल कायम किया है, और इस देश को जिस चीज की जरूरत है वो एक रास्ता दिखाने का काम किया है। जब भाईचारा डिस्टर्ब हो रहा है, आपस में एक दूसरे के बीच में तनाव की स्थिति बनाने की कोशिश की जा रही है, और पूरे भारत को डिस्टर्ब करने की कुछ फोर्सेस कोशिश कर रही है, राजनीति की पाठशाला का जो ये एफर्ट है, आज जो कदम उठाया है, ये बहुत सराहनीय है। और अब्दुल कलाम साहब एक कोई इंसान, खाली इंसान नहीं थे, वो एक लिविंग गॉड थे और पूरी मानवता के लिए एक मिसाल थे। इस शुरुआत जो अजय पांडे की और इनकी टीम ने की है, ये बहुत सराहनीय है। और जो अवार्ड दिए हैं उन लोगों को, देश भर से आए उन लोगों को इन्होंने अवार्ड दिया है, ताकि जो विचारधारा कलाम साहब चाहते थे इस देश को जिस ऊंचाई पे देखना चाहते थे, तो उसको इनकलकेट किया जा सके। तो अजय जी ने ये बहुत अच्छा कार्य किया है, और जिन परिवारों को, जिन संस्थाओं को आज इन्होंने अवार्ड दिया है, वो आगे उस मिशन को, कलाम साहब के मिशन को आगे ले जाने का काम करें। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, इतनी जो मेहनत लगी, कलाम साहब का जन्मदिन भी है आज, और इस मौके पर इतना प्रेस्टिजियस अवार्ड ऑर्गेनाइज करना बहुत बड़ी बात है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हम तो अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं कि हमें ये मौका मिला कि हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को श्रद्धांजलि दे पाएं। और जिस तरह से कलाम साहब ने का योगदान रहा है देश को आगे बढ़ाने में, हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी भी उनसे सीखे और उनकी तरह बनने की कोशिश करें। सर,
सर आप क्या कहना चाहेंगे इस अवार्ड को? मैं साधुवाद देता हूँ मेरे दोस्त अजय पांडे को और मेरे भाई सुखबीर, 40 वर्ष पुराने मित्र हैं। ऐसे कार्य जो ये लोग कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आई मे बी रॉन्ग आई मे बी करेक्ट, ये शायद मुंबई में या महाराष्ट्र में ये ऐसा एक अपना अनूठा कार्यक्रम, पहला कार्यक्रम होगा। और मेरे को जहाँ तक नॉलेज है दिल्ली में भी ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। इसके लिए ये जो पहल अजय ने की है, अभी पिछले दिन उन्होंने यंग एंटरप्रेन्योर्स पे किया, ये जो यूनिटी प्रोग्राम कर रहे हैं ये काफ़ी आगे जाकर लोगों को समझ आएगा कि अजय पांडे की सोच कितनी आगे की थी। ये भगवान इनको लंबी उम्र दे और इनको शक्ति दे, ये भारत के वो युवा हैं जो हमें आगे ले जाएंगे। हमारे देश के लिए काम किया है सर, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? कितने भावुक होते हैं, कितने प्राउड फील करते हैं, और आज का जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया सर उसमें कितनी मेहनत लगी है उसके बारे में? ये जो कार्यक्रम है हम पिछले कई सालों से कर रहे हैं, 2017 से हमने शुरुआत की थी और हर साल हम लोग दिल्ली में करते रहे। इस बार हमने ये कोशिश की कि हम इस कार्यक्रम का आयोजन मुंबई में करें, और मुंबई की टीम का और मुंबई के लोगों का मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में साथ दिया। और आप मीडिया साथियों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने ये मौका दिया कि हम एक अच्छा कार्यक्रम का यहाँ आयोजन कर सकें। और मैं सभी अवार्डीज़ का जिनको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल अवार्ड मिला है उन सबको मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और मैं उम्मीद करूँगा कि भविष्य में वो लोग इस तरह का काम करते रहें जिससे हमारे देश का नाम रोशन हो। थैंक यू सो मच।